ਬੋ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਉੱਤੇ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। आज व्यूअर्स हम कब्रिस्तान में सफाई कर रहे हैं, थोड़ी सी साइडों पर काफ़ी ये लानी और ये इसे पंजाबी में बूझे और किकरें, ये काफ़ी यानी लानी जो थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, तो इसकी सफाई कर रहे हैं। और साथ में इस साइड पर सारी कब्रें हैं और ये वाली साइड इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। तकरीबन 3-4 माह बाद हम यहाँ की सफाई करते हैं। ज़रूरी इसलिए होती है कब्रिस्तान का जितना पानी है, क्योंकि ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से ये ज़मीन जो है वो नीचे को जाती है, इसकी सतह नीचे को है। ज़्यादातर जो पीछे वाला हिस्सा ये नीचे को है और आगे वाला हिस्सा जो है वो ऊँचा हो जाता है। तो ये हमने एक कब्रिस्तान में नाला टाइप बनाया हुआ है कही के साथ, जब भी बारिश आती है कब्रिस्तान का सारा पानी फिर एक साइड को इस साइड को निकलता है। यहाँ की फिर सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, यहाँ पर लानी खड़ी होती है और अगर बारिश आ जाए इन दिनों में फिर पानी रुक जाता है और कब्रिस्तान में फिर कब्रों का बहुत नुकसान होता है। इससे बचने के लिए इसकी 2-4 माह बाद सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है। आज काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम बन रहा था कि सफाई करनी है, तो आज हमारे हमसाए हैं यहाँ उमर भाई, ये माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र अता फरमाए। ये आए साथ में, बाबा जी आए हैं साथ में, मैं भी आ गया हूँ इनको देखकर। तो हमने कहा जी चलें आधा काम क्या करना, पहले तो जहन यही था कि थोड़ा सा आज कर लेते हैं, थोड़ा सा कल कर लेंगे, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं आज ही सारा काम ये ख़त्म करते हैं। और माशाल्लाह उमर भाई लगे हुए हैं, ये देखें ये सारा खाला एक किस्म का बना हुआ है नाला, जो साफ कर दिया हमने ताकि अगर बारिश आ भी जाए तो पानी जो है वो आसानी के साथ यहाँ से निकल कर आगे जो सेम गुजरती है उसमें चला जाए। तो कब्रिस्तान जो बारिश पैंती है कब्रिस्तान बह जाता, पिछले कब्रिस्तान बहुत नीवा मूरे उच्चा हो गया वा पुराना कब्रिस्तान है जी, तो सारा पानी जरा इधर जो नाली बनाई है तो इधर दिया निकलता सेम च पैंता वा। ये वाली साइड सारी माशाल्लाह साफ़ हो चुकी है और मैं ये आपको दिखा दूं, यहाँ पर आगे वाली साइड रहती है वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हो जाएगी। उमर भाई तो बड़ी मेहनत के साथ माशाल्लाह काम कर रहे हैं और ये सारा पीछे से ना हमने नाला बनाया हुआ है कही के साथ ताकि पानी, मैंने पहले बताया, पानी गुजर जाए। और ये देखें किस तरह घास इसमें है, और जब इसमें घास होती है और ऊपर से बारिश आ जाए पानी आ जाए तो फिर पानी यहाँ पे रुक जाता है कब्रिस्तान, फिर कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं तो जो नीवी सतह पर निचली, जिसे हम निचली सतह की जो कब्रें हैं उन्हें नुकसान होता है, वो पानी की वजह से बैठ जाती हैं। अगर इसकी सफाई बरवक़्त कर ली जाए तो फिर सारा पानी कब्रिस्तान का आसानी के साथ यहाँ से गुजर जाता है। और ये आगे मैं आपको आगे जाके भी दिखाऊँगा कि आगे जो किस सेम में जाता है और किस तरह ये पानी सेम में गुजरता है। हालांकि इसके साथ एक खाला भी गुजरता है कब्रिस्तान के साथ, लेकिन इसमें घरों का पानी है, ये भी सीधा सेम को जा रहा है और साथ में चंद कदमों के आगे सेम है। तो सेम का भी हमें यहाँ पर बड़ा फ़ायदा है कि कब्रिस्तान के पिछले हिस्से पर सेम है, जब भी पानी जमा हो तो वो आसानी के साथ गुजर के सेम में चला जाता है। ये आगे सड़क के सामने बिल्कुल आगे ये वाली सेम है जहाँ पे बकरियाँ चर रही हैं, ये वाली, ये सारी सेम आगे से हो के काफ़ी दूर तक ये सेम जाती है और ये सारा पानी आबादी का, यहाँ हमारे सारे घरों का पानी जो है ना वो सारा सेम में जाता है।
तो वीवर्स यहाँ पर काफ़ी टिकरें भी हैं जो कि काटना बहुत ज़रूरी हैं, उनका काटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाला जो पूजा लगा हुआ है, इसे पंजाबी में पूजा कहते हैं, और ये काने लगे हुए हैं इसके ऊपर, इसे भी हम या तो काट इसे ख़त्म कर देंगे या फिर इसे आग लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये जो भुजे होते हैं इन्हें आग के ज़रिए आग लगा के आग जला के इन्हें ख़त्म किया जाता है। तो इस वक्त ये सामने एक टिकर है, इसे मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये भी साथ में कट जाए। ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਤਲਾ ਵੀ ਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਣਾ ਕੋ ਬੈਠਾ ਆਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਲਾਣੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪੱਕਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਖਵਾੜੀ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਦਸਤਾ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਖਵਾੜੀ ਦਾ ਹਾਂ ਸੁੱਤਣਾ ਬਣਨੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਖਵਾੜੀ ਲਿਆ ਪੋ ਤੱਕ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਲੈ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਬਣ ਲਈ ਲੈ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਗਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਂ ਵੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ पैर च ना लगे कोई रोड़ा पिया वा चाके पर कर दो किसी की नाली है दो रोड़े आ पानी बंद आ बाजार चाहता रोड़े बहर कढ दो नेकी है अच्छा बड़ा अच्छा पैगाम आज की ये व्लॉग बनाने का मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं ये फ़ख्र महसूस है मुझे अपने YouTube चैनल पर कि मेरी 100 में से 90% ऐसी वीडियोस होती हैं ऐसे व्लॉग्स होते हैं जिनमें आपको नॉलेज मिलता है वो बिजनेस के हवाले से नॉलेज हो वो जिस तरह आज उमर भाई कब्रिस्तान में काम कर रहे थे मैंने इनको देखा मैं भी आया मैंने भी थोड़ा सा अपने हिस्से का काम किया ये भी कर रहे हैं अल्लाह पाक सबको इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए हिम्मत दे ताकि देखें हम अपने लिए तो सारा कुछ करते हैं सारी जिंदगी इंसान ने अपने लिए सब कुछ करना है लेकिन जितना ये बच्चा आया अल्लाह की रजा के लिए भी करना चाहिए एक दो बच्चे होर आ जाते इन्हें इन्नी जगह की उन्नी को उन्हें सारी साफ हो जाती और माशाल्लाह सुबह से लगा हुआ है उमर काफी इसने काम कर लिया है थोड़ा सा मैंने भी इसके साथ हाथ बटाया लेकिन ये समझ लें कि 100 में से 10% मैंने हाथ बटाया बाकी 90% सारा काम उमर ही कर रहा है तो व्यूअर्स माशाल्लाह काम हमारा मुकम्मल हो चुका है तो उमर भाई खड़े हैं बाबा जी हैं और मैं भी इनके साथ ही हूँ आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं ख़त्म वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अगर ये आपका व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है इसी के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के पान